ज्वाइन किया यार। हेलो हेलो, नुकसान का आकलन तो जब पूरी आग बुझ जाएगी उसके बाद हम आपको बता पाएंगे। जब पूरे बिल्डिंग ठंडी हो जाएगी, जब हम घुसेंगे देखेंगे कि कौन सा माल सुरक्षित है कौन सा नहीं सुरक्षित है, हम ऐसे कैसे आपको अनुमान दे दें? क्या सामान खराब हुआ था और कैसे क्या सूचना मिली थी आपको? सामान पीवीसी टैंक है, कपड़ा होता है बोरिंग वाला वो था, पीवीसी फिटिंग है, सॉल्वेंट है, ये सब सामान है। सबमर्सिबल पंप है, मोनोब्लॉक पंप है। कितने घंटे हो गए हैं फायर टेंडर फायर टीम काम करते हुए? कम से कम मान के चलिए 1:30 बजे से फायर वाले पूरे अपने डीजन से लगे हुए हैं। और अब मेरे ख्याल से कितना समय? 10 बज गया है, लगभग 9 घंटे से लगातार वो भी और हम भी और हमारे खुद के लेबर सब लोग डटे हुए हैं। अगर अनुमान लगा तो कितना बड़ा नुकसान हो? अनुमान हम ऐसे नहीं लगा सकते। जब तक हम पूरा अपना निरीक्षण नहीं कर लेंगे जाके बिल्डिंग के अंदर, हम आपको नहीं बता सकते कि हमारा कितना नुकसान। फायर टेंडर लगभग 2 बजे रात से लगातार फायर फाइटिंग कर रहा है। मैं भी घटना स्थल पर मौजूद हूँ। बराबर लगभग 40 फायर कर्मी हैं मिलकर रात को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत इसमें ये आ रहा हम लोगों को कि अप्रोच नहीं है, पहुँच नहीं है। जीना एक ही है, जो लगभग गिराव हो चुका है, तो ये दूसरी जगहों से एंट्री करने की कोशिश की जा रही है और आग को बुझाया जा रहा है। क्या कारण रहा है आग लगने का? आग लगने का कारण अनुमानता अभी तक हम लोगों को ये आतिशबाजी का लगा, क्योंकि इन्होंने रूफ टॉप पर अपना पीवीसी का आइटम जो है सिंटेक्स टंकियाँ पाइप कलेक्ट कर रखे थे, और संभवतः कोई आतिशबाजी का पटाखा आके गिरा होगा लगभग 11 बजे के आसपास, तभी आग लगना शुरू हुई होगी। जैसे इन लोगों के द्वारा लगभग 1:30 बजे देखा गया है, तब इन्होंने सूचना दी है। फायर की गाड़ियां लगभग 2 बजे के पहले से फायर फाइटिंग कर रही हैं।